नमस्कार हमारे अग्नि ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सटित शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्या और पोषण में प्रमाण पत्र सी एफ एन सी एफ एन वन और आपका भोजन ब्लॉक टू खाद्य पदार्थों को चयन और उनके बनाने की विद्यार्थी इकाई सेवन हमारा आहार कितना पौष्टिक है भारत की जनसंख्या बहुत व्यापक है इसी कारण यह हाल लोगों की भोजन संबंधी आदतों और रीति रिवाजों में पर्याप्त भिन्नता है जिन का एक बुरा हिस्सा शाकाहारी हारे है की कुछ लोग मांसाहारी हारे हेडा सिखाई में हम यह चर्चा करेंगे की हमारे आदतों से जुड़े हमारे आहार कितने पौष्टिक है सेवन जीरो उद्देश्य इस इकाई को पने के पश्चात आप भारत में सामान्य प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता के बारे में बता सकेंगे और शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की पौष्टिकता के बारे में बता सकेंगे 7.1 प्रस्तावना जैसा कि आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी कृषि एजरी है पिछले कई वर्षों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की उपज हमारे देश में बहुत अधिक है इसके साथ साथ उससे गति से जनसंख्या का विस्तार भी हो है जिसके फलस्वरूप अन्य उत्पादन की वृद्धि का समुचित असर नहीं पड़ सकती है किसी भीजन जनसंख्या का पोषण कारस्टरोस के आहार की संपूर्णता और पौष्टिकता का एकाईना है इसलिए अपनी जनसंख्या का पोषण कास्टर और स्वास्थ्य सुधारने का कोई प्रयत्न करने से पहले हमारे लिए ले जान लेना आवश्यक है कि हमारा भोजन कितना पौष्टिक और स्वास्थ्य है 7.2 हमारे देश में आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ इस तट्यू से हम भली भारी परिचित है कि अनाज प्रतिदिन के भारतीय आहार का एक प्रमुख अंग है आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले अनाज है गेहू चावल बासरा जवा मक्का और जौ भारत के उत्तर पश्चिम और मध्य प्रांतों में रखने वाले लोग अधिकतर गेहूँ और मोटा अनाज खाते हैं और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में चावल अधिक खाया जाता है डंडा इसके अलावा भारतीय आहार में का प्रयोग भी काफी मीट्रा में किया जाता है आमतौर पर प्रयोग की जाने वाले आले हेचने की आल मसूर की आल आदि डंडा ताजे फलों और सब्जियों का उपलब्ध होना मौसम पर निर्भर करता है मौसम के अनुसार अलग अलग प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार की हरी पटेद सब्जियाँ, सब्जिया और मूल वाली सब्जिया अन्य सब्जिया और फल पाए जाते हैं इसलिए इन खाद्य पदार्थों तो का मिलना मौसम के अनुसार बदलता रहता है हमारे नरे देश में उद्भोजन का मोहत्व पूर्ण होता है दूध का एक प्रमुख हिस्सा दही, लस्सी, मक्खन, घी खोया मलाई और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों में अंडे मांस मुर्गी और कई रही मिया शामिल है तिलहन जैसे मूंगफली तिल सो नारियल आदि की पच के कारण ये भी हमारे आहार में तरीकों से प्रयोग किए जाते हैं अनेक प्रकार के मसाले भी भारतीय आहार का एक हिस्सा है ये है लाल मिर्च काली मिर्च दालचीनी लौक जीरा इत्यादि अभ्यास भोजन के तीन खाद्य वर्गों के हिसाब से अपने प्रांत में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बना इंडा आप सुन रहे ऑडियोलर्न निगनू को 7.3 हमारे भोजन के प्रकार शाकाहारी और मांसाहारी। भारत में प्रमुख रूप से शाकाहारी आहार ही खाया जाता है ऐसे आहार में अनाज, दाले, दूध और दूध से बने पद आट फल और सब्जियां प्रयोग की जाती है ऐसे शाकाहारी आहार लेने की आदत कार विकास लंबी अवधि के दौरान हो पाया है इस आदत की शुरुआत हिंसा की उस भावना से जुड़ी है जिसका प्रचार मुहावीर बुद्ध और सम्राट अशोक ने की यात्रा लोगो की धार्मिक और सांस्कृतिक भावना इन्हें पशु को मारकर खाने से रोकती है यही कारण है कि कुछ शाकाहारी लोग अपने आहार में बिना किसी संकोच के अंडे और दूध शामिल कर लेते हैं क्योंकि इनके लिए पशु को मारना ही पड़ता। हमारी जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत लगभग 20 परसेंट मांसाहारी है जिसका मतलब है कि वे अनाज दालें सब्जियों और फलों के अलावा मांस मछली अंडे इत्यादि का भी सेवन करते हैं फिर भी भारतीयों के भोजन में अनाज ही प्रमुख है मांस मछली आदि तो कम मात्रा में सहयोगी खाद्य पदार्थ के रूप में खाए जाते हैं मांसाहारी लोगों में भी मांस का सेवन हर रोज नहीं किया जाता डंडा मांस का सेवन निजी पसंद व आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है धार्मिक प्रथाओं के कारण मांसाहारी लोग भी कुछ विशेष दिनों अवसरों और त्योहारों पर मांस नहीं खाते धार्मिक विश्वासों के कारण हिंदू लोग गोमांस नहीं खाते क्योंकि गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है आहार शाकाहारी हो या मांसाहारी निम्न आर्थिक वर्ग और उच्च आर्थिक वर्ग के लोगों के आहार में बहुत ज्यादा अंतर होता है हमारे देश में निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों के आहार में प्रमुख रूप से अनाज ही होता है और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दालें फल और मौसमी सब्जियां जो प्रोटीन विटामिन और खनिज लवण के बेहतर स्रोत हैं बहुत कम मात्रा में शामिल किए जाते हैं ग्रामीण और शहरी लोगों के आहार में भी अंतर पाया जाता है क्योंकि ग्रामीण लोग अधिकतर कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े होते हैं इसलिए उन्हें मौसमी फल सब्जियां आदि पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं ये लोग अधिकतर पशुपालन का कार्य भी करते हैं डंडा इसलिए दूध और दूध से बने पदार्थ भी इनके आहार का एक हिस्सा होते हैं डंडा इसके विपरीत शहरों में रहने वाले निम्न वर्ग के कई लोग जो अधिकतर कारखानों आदि में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं वे बहुत असंतुलित और अपौष्टिक आहार लेते हैं डंडा इसके कारण है इन लोगों में भोजन संबंधी जानकारी की कमी और शहरों में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें डंडा आर्थिक स्थिति के सुधरने पर भी शहरी लोगों में भोजन पर अधिक खर्च करने की अपेक्षा कपड़े और मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करने की आदत हो जाती है भोजन पर अधिक व्यय करने पर भी इन लोगों की चेष्टा यह रहती है कि वे अपने भोजन में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की अपेक्षा ऐसे खाद्य पदार्थों को अधिक सम्मिलित करें जिन्हें सामाजिक दृष्टि से बेहतर और प्रतिष्ठित माना जाता है जैसे चीनी का उपयोग गुड़ से बेहतर माना जाता है इसी प्रकार मिल में साफ किए गए सफेद चमकदार चावल को सेला भुजिया चावल से बेहतर माना जाता है डंडा मिठाइयाँ चॉकलेट टॉफी आदि पर अधिक खर्च किया जाता है ऐसा करने से आहार पर खर्च तो बढ़ जाता है परंतु उसकी पौष्टिकता बेहतर नहीं होती 7.4 हमारे आहार की पौष्टिकता अपने देश में खाए जाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बारे में जान लेने के बाद आइए अब यह देखें कि हमारा दैनिक आहार कितना पौष्टिक है बहुत से लोग यह सोचते हैं कि शाकाहारी भोजन पौष्टिक नहीं होता डंडा हाल ही में किए गए शोध कार्यों से प्राप्त परिणामों के आधार पर इस धारणा को बदला जा रहा है डंडा शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की पौष्टिकता की तुलना करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं इनसे यह पता चला है कि शाकाहारी भोजन में यदि खाद्य पदार्थ सभी वर्गो में से शामिल किए गए हों तो वह भी पौष्टिक होता है जैसा कि इकाई फाइव में बताया जा चुका है और इससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा तथा अन्य पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं डंडा यह भी देखा गया है कि शाकाहारी व्यक्तियों की कार्य क्षमता सहनशीलता और काम करने के बाद मांसपेशियों में थकान की समाप्ति मांसाहारियों से बेहतर होती है हिमालय के क्षेत्रों में रहने वाले शेरपा लोगों में यह देखा गया है कि शाकाहारी बहुत अधिक ऊंचाई पर रहने और बहुत कम तापमान के असर को सहने में समर्थ होते हैं डंडा इसके अतिरिक्त संतुलित शाकाहारी भोजन के अन्य लाभ भी हैं, जैसे हल्का और सुडौल शरीर तथा रक्त में वसा कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा भारत के पारंपरिक मांसाहारी भोजन पश्चिमी मांसाहारी भोजन से बहुत भिन्न है इसके अतिरिक्त संतुलित शाकाहारी भोजन के अन्य लाभ भी हैं, जैसे हल्का और सुडौल शरीर तथा रक्त में वसा कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा भारत के पारंपरिक मांसाहारी भोजन पश्चिमी मांसाहारी भोजन से बहुत भिन्न है जैसा कि इस इकाई में पहले बताया जा चुका है भारतीय मांसाहारियों के भोजन में भी अनाज ही प्रमुख है जबकि पश्चिमी देशों में मांसाहारी भोजन में मांस से बने खाद्य पदार्थ ही प्रमुख रूप से पाए जाते हैं इसलिए पश्चिमी मांसाहारी भोजन में प्रोटीन और वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है और इससे हृदय गुर्दे और आंतड़ियों की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है जो लोग पारंपरिक भारतीय मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं उनमें मोटापा और हृदय रोग कम पाए जाते हैं पश्चिमी ढंग के मांसाहारी भोजन खाने वाले लोगों में ये बीमारियां अधिक होती है भारतीय आहार में चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी रेशे की मात्रा बहुत अधिक होती है डंडा इसी कारण भारत में बड़ी आंत के कैंसर की बीमारी कम होती है डंडा इस तरह हम यह कह सकते हैं कि भारतीय आहार शाकाहारी हो या मांसाहारी पश्चिमी आहार से अधिक स्वास्थ्यवर्धक है हमारे देश की गरीब जनता को भोजन से पर्याप्त पौष्टिकता नहीं मिलती जैसा कि पहले बताया जा चुका है इन लोगों के आहार में मुख्यतः अनाज ही होता है और प्रोटीन विटामिन और खनिज लवण प्रदान करने वाले अन्य खाद्य पदार्थ बहुत कम होते हैं निम्नार्थिक स्थिति और विस्तृत परिवार इनके आहार के असंतुलित और असंपूर्ण होने के कारण हैं। इसके साथ साथ इन लोगों में शिक्षा की कमी भी एक मुख्य कारण है इन कारणों से हमारे देश के निम्न आय वर्ग के लोगों में कुपोषण बहुत ज्यादा पाया जाता है डंडा कुपोषण से होने वाली बीमारियां जैसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण विटामिन ए की कमी और एनीमिया हमारे देश की पोषण संबंधी प्रमुख समस्याएं बन गई हैं। ऐसे लोगों को मिश्रित आहार लेने की आदत डालकर और कुछ आसान विधियों द्वारा पौष्टिक भोजन दिया जा सकता है खमीरीकरण और अंकुरण की क्रिया द्वारा घर में ही बिना कीमत बढ़ाए आहार की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है बोध प्रश्न वन शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की पौष्टिकता के बारे में टेन पंक्तियाँ लिखिए सेवन फाइव सारांश भारत में अनेक किस्म के अनाज दालें फल सब्जियां तथा पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे मांस मछली अंडा आदि उपलब्ध हैं अनाज हमारे आहार का प्रमुख अंग है, जिनके साथ दालें दूध और दूध से बने पदार्थ और मौसमी फल तथा सब्जियां खाई जाती है डंडा मांसाहारियों के आहार में इन खाद्य पदार्थों के अलावा मांस भी होता है डंडा यदि शाकाहारी भोजन में सभी खाद्य वर्गों से खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएं तो वह न केवल पौष्टिक होता है बल्कि ऐसा भोजन बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोगों जैसे खिलाड़ियों धावकों साइकिल चलाने वालों मजदूरों आदि के लिए भी उपयुक्त होता है इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि अब अधिक से अधिक लोग शाकाहारी भोजन ही अपना रहे हैं भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीब होने के कारण उनका भोजन पर्याप्त पौष्टिक नहीं है इनके आहार में मुख्यतः अनाज होता है और अन्य खाद्य पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होते हैं डंडा भारत में यह महिलाओं और बढ़ते बच्चों में कुपोषण का एक मुख्य कारण है इसलिए इस बात पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है कि लोगों को इस बात के लिए शिक्षित किया जाए कि वे अपने भोजन में हर प्रकार के खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर इस्तेमाल करें चाहे वह हार शाकाहारी हो या मांसाहारी 7.6 प्वाइंट पारिभाषिक शब्दावली कुपोषण शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर को आवश्यकता के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता डंडा यह दो कारणों से हो सकता है शरीर को कम पोषण मिलने से और शरीर को अधिक पोषण मिलने से अल्प पोषण शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर को आवश्यकता से कम भोजन मिलता है जिससे शरीर दुबला व कमजोर हो जाता है प्रोटीन कैलरी कुपोषण आहार हा में प्रोटीन या कैलरी या दोनों की कमी से उत्पन्न कुपोषण खमीरीकरण वह प्रक्रिया जिसमें अनाज व दालों में खमीर या बैक्टीरिया के उपयोग से उन्हें खट्टा और हल्का बनाया जाता है गोमांस गाय का मांस धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में